सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक बिहाइंड हिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हिस्टोरिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन है, ये है बुद्धिज्म पे। अब पहले मैंने ये श्लोक बोला है, बुद्धं शरणं गच्छामि, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अब जानते हैं इसका तात्पर्य क्या है। दोस्तों, जो ये श्लोक है, इसमें बुद्धम महात्मा बुद्ध को नहीं कहा गया, बुद्धम ज्ञान को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हम ज्ञान की शरण में जाएं, ठीक है, अपना अहंकार त्यागें और ज्ञान की शरण में जाएं। तो यही ज्ञान तो हम बांटने यहाँ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी ज्ञान की कथा को। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करें, क्या कहते हो, करते शुरू? तो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक हर किसी का आता है ओरिजिन, मतलब उसका जन्म कैसे हुआ। अब हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं, चूँकि तो हमें ये जानना है कि बुद्धिज़्म का जन्म कैसे हुआ। तो अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म को पढ़ते हैं। हम सब ने महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका नाम तो सुना होगा। तो दोस्तों, उन्होंने इस बौद्ध धर्म के शिलान्यास, यानी कि हम कहते हैं ना फाउंडिंग स्टोन रखा था, शिलान्यास रखे थे इस बौद्ध धर्म की। और ये करीब 4th century BC, मतलब 400 ईसा पूर्व, जिसे हम पहले कहते थे 400 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। अब हमें इसके बारे में इतना डिटेल में इसलिए नहीं पता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है, जिसके बारे में इतने अवशेष नहीं मिलते, और ख़ास करके भारत में। अब इसका कारण मैंने आपको अपनी तीसरी वीडियो में बताया था, याद हो, अगर नहीं याद तो देख लीजिए। तो चलिए अब महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, उनके जीवन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, सबके जीवन को उजागर करने वाले महात्मा बुद्ध के जीवन पर हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उससे पहले, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए महात्मा बुद्ध की अर्ली लाइफ के ऊपर, सबसे शुरुआती दौर पे उनके जीवन का, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। अब आते हैं पहले बर्थ प्लेस, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। माना जाता है महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ, जो एक कपिलवस्तु के पास एक जगह है। ये बेसिकली अब नेपाल में पड़ता है ये जगह जो है, और 566 BCE, यानी कि 566 BCE में इनका जन्म हुआ, 566 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ नेपाल में, ठीक है दोस्तों। अब इनके पिता का नाम था महाराज सुधोधन। ये एक सक्या क्लैन था, मतलब एक सक्या राजवंश था, शाक राजवंश भी कहते हैं इसे, उसके महाराज थे इनके पिता श्री सुशोधन, ठीक है। तो क्या मतलब कहते हैं, ये जो शक्या क्लैन है, ये बेसिकली मगध, ग्रेटर मगध का था, एक मगध का पार्ट है जो कि नॉर्थ इंडिया और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये है मतलब कि ये राजवंश में ही पैदा हुए थे। इसे पता चलता है इनकी माता श्री का नाम महामाया जी था, हालांकि गौतम बुद्ध जी ने इन्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि माना जाता है उनको जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। कहीं जगह तो ये भी वर्णित है कि उनके जन्म होने के बाद 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब महात्मा बुद्ध जो थे वो कभी अपनी माता श्री से नहीं मिल पाए। हाँ, एक मैं चीज़ बताना भूल गया कि इनके पिता जो थे सुधोधन जी, वो सक्या क्लैन के महाराज थे, तो इसलिए इन्हें सक्या मुनि भी कहा जाता है, जिसे सक्या क्लैन, समझ रहे ना, सक्या मुनि, सक्या मतलब जो शाक राजवंश था उसका मुनि, ठीक है ना, ये बात ज़रूर याद कर लीजिए। अब फिर इनकी जो परवरिश थी वो कैसे हुई, इनकी माता श्री तो रही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं माता ही सबसे बड़ा मतलब गुरु होती हैं। तो इनके गुरु कौन बने शुरुआती दौर में, तो इनको इनकी
इनकी जो माता जी की बहन थी, समझ रहे ना, माता जी की बहन मतलब इनकी मासी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। उन्होंने बिल्कुल माँ की तरह ही ने प्यार दिया, अपना पूर्ण मातृत्व इन पर न्यौछावर किया, इसीलिए तो इनको गौतम कहते, क्योंकि वो प्रजापति गौतमी थी, तो इसलिए इनका नाम गौतम भी पड़ा। तो दोस्तों, हमने महात्मा बुद्ध जी के शुरुआती जीवन के दौर पे तो दृष्टि डाल ली, अब उनके जीवन के बाद वाले दौर पे भी दृष्टि डाल लें, जब वो गृहस्थ आश्रम में आए, और यही जो इनके जीवन का हिस्सा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना पूरी हिस्ट्री में, मतलब बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का अस्तित्व इसी उनके गृहस्थ आश्रम की वजह से ही आया। तो जानते हैं कैसे। सबसे पहला रीज़न, मतलब रीज़न नहीं, सबसे पहला पॉइंट, अब उनकी शादी करने की उम्र हो गई थी, मतलब करीब 25 साल के आसपास तब, क्योंकि 4 आश्रमों का मतलब भारतीय फॉलो करते थे, तो 25 साल के आसपास उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। अब उनका एक पुत्र भी हुआ राहुल, जो कि काफ़ी प्रतापी भी रहे। अब 29 साल की उम्र में एक उनके साथ इंसिडेंट हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो उनके पिता, हमने देखे ना, महाराज सुधोधन, उन्होंने कुछ मुनियों को आमंत्रित किया भोज पे। पहले ऐसा ही होता था, जब भी कोई बालक घर में आता था तो मुनियों को बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था, उनके आदर सत्कार किया जाता था, ताकि वो जो बच्चा है उसको आशीर्वाद दें। तो यही किया महाराज सुधोधन ने। अब जब उन्होंने मुनियों को बुलाया, तो मुनियों उनके पीठ पे कुछ निशान से थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा, मुनि ने, तो उन्होंने महाराज को कहा, मतलब बहुत खुश होकर कहा कि ये तो युग पुरुष बनेंगे। अब पिता सोच रहे हैं, युग पुरुष क्यों, युग पुरुष क्यों? उन्होंने कहा कि अगर इनको जीवन के असली तथ्य, जैसे कि जन्म मरण, गरीबी, लाचारी, बीमारी, इन सब के बारे में ना बताया गया, तो ये चक्रवर्ती और अत्यंत ही प्रतापी महाराज बनेंगे। परंतु अगर इन्हें ये सब ज्ञात हुआ, तो ये अत्यंत प्रतापी और श्रेष्ठ युग पुरुष मुनि बनेंगे, युग के मुनि बनेंगे, पूरे युग मतलब पूरी दुनिया को उजागर करने निकल जाएंगे। तो फिर कहते हैं ना, जुनियती को मंजूर हुए उसे कौन बदल सकता है। तो इनके पिता ने काफ़ी कोशिश की कि इनको दुनिया भर की जानकारी ना हो, क्या है जीवन, क्या है मृत्यु, क्या है गरीबी, क्या है बीमारी, पर फिर भी प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। तो एक बार महात्मा बुद्ध, जब वो थोड़े बड़े हुए, उनको उनके महल से बाहर निकलने नहीं जा मतलब दिया जाता था, तो उन्होंने एक बार अपने पिता से जिद करके कहा कि मुझे नगर घूमना है। तो पिता ने बहुत कठिनाई के बाद चलो कहा, चलो जाओ, ले जाओ। तो फिर वो निकल पड़े अपने रथ पे। तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बूढ़ा लाचार बीमार आदमी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, सारथी मतलब चैरिटियर, जिसे हम रथ चला चालक भी कहते हैं सिंपल भाषा में। तो उन्होंने उससे पूछा, तो जो सारथी था उसने कहा कि एक बीमार आदमी है, इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो यहाँ उन्हें जीवन का पहला सत्य मालूम पड़ा कि जीवन में बीमारी बहुत होती है, मतलब ऐसी चीज़ होती है जो हमें लाचार बना सकती है। फिर उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, तो उन्होंने कहा इस आदमी को क्या हुआ हुआ है। फिर सारथी ने कहा ये बूढ़ा आदमी है, मतलब ये अब मृत्यु के पास पहुंच चुका है। तो मतलब उन्होंने बुढ़ापे को पहली बार जीवन में अनुभव किया कि है जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा जैसे बच्चे से थोड़ा और बड़ा होता है, तो इसके बाद भी उसकी थोड़ा मतलब बूढ़ा हो जाता है, उसकी जैसे मांस ढीला हो जाता है, आंखों में चमक कम रह जाती है, ऐसे होता है। तो ये उन्हें दूसरा सत्य पता चला। अब तीसरा सत्य उन्हें पता चला जब उन्होंने एक शव को देखा, एक शव की अर्थी जा रही थी, अर्थी जा रही थी। तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से, ये क्या हो रहा है सारथी? तो उन्होंने कहा इस आदमी की मृत्यु हो चुकी है।
तो इसको शमशान भूमि में लेके जा जाए, ताकि जैसे पंच तत्व में इसका जो नश्वर शरीर है उसे विलीन कर दिया जाए। तो उन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा मृत्यु क्या होती है। फिर जो साथी था तो उसने समझाया कि देखिए, हर कोई एक निश्चित काल के लिए इस धरती पे आया है, और जब अपना कोई कार्य पूरा कर लेगा, मतलब जब उसके जीवन का कोई सब जो उस करने आया था जितनी भी इम्पोर्टेंस सब खत्म हो जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद मतलब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो वो फिर बहुत हैरान हुए, मृत्यु भी एक चीज़ होती है। फिर उन्हें एक मतलब साधु मिले जो कि भिक्षा मांग रहे थे, उनका भिक्षाम देही। तो उन्होंने कहा ये आदमी क्या कर रहा है। तो साथी ने कहा ये एक भिक्षुक है। एस्केटिक जो होते हैं वो मेनली भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक के लिए ये शब्द इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने कहा ये भिक्षा क्यों मांग रहे। उन्होंने कहा कि इसके पास आदमी के पास ये अपने आप को भगवान के पास क्या हुआ, ये कोई मतलब भिक्षा दूसरों को दिया हुआ जितना भी दे कोई उतने से गुजारा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये चार तथ्य जो थे उनके जीवन के, जिनके साथी ने उन्हें बताई, इन्होंने उनका पूरा जीवन बदल दिया। इसके बाद जब वो राजमहल में आए तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं इस महल में नहीं रहूँगा, क्योंकि महल में रहने का फ़ायदा क्या है, मैं आज यहाँ हूँ तो कल मेरी भी मृत्यु आएगी, तो मैं जीवन का मेरा कुछ क्या करूँगा मैं जीवन में। तो फिर वो भी एक भिक्षुक के भांति 29 साल की उम्र में उन्होंने महल का त्याग कर दिया। अब इस इवेंट को कहते हैं महाभिष्क्रमण। ये एक बुद्धिस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, महाभिष्क्रमण, जब महात्मा बुद्ध ने अपना राजमहल का त्याग कर दिया था। तो फिर वो 7 साल इधर उधर भटकते रहे, सत्य की तलाश में घूमते रहे। तो अंत में 35 साल की उम्र में माना जाता है। अब आप कहेंगे 7 साल भटक के मतलब घूमे, 29 साल की उम्र में, तो इस हिसाब से तो 36 साल होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये एग्जैक्टली नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तब इतना एज पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो माना जाता है 35 से 36 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बने, मतलब एनलाइटेड हुए, उनको ज्ञान मिला। अब ये कहाँ हुआ, ये हुआ उरुवेला में। उरुवेला आज गया नाम के स्थान से प्रचलित है, बिहार में जगह है गया, बोधि गया भी उसे कहते हैं। वहाँ ये उरुवेला मतलब उसका पहला नाम उरुवेला था, और एक पेड़ के, ठीक है, बनियन ट्री के अंडर उनको ये एनलाइटेनमेंट मिली। और ये जो पेड़ था ये रिवर निरंजना के पास था, निरंजना नदी उसके पास था। तो इस पेड़ को जो बनियन ट्री था, इसे अब बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें सत्य का बोध हुआ। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, हमने बाद वाली ज़िंदगी भी पढ़ ली श्री महात्मा बुद्ध जी की, अब पढ़ते हैं उनकी मृत्यु की, मतलब जब उन्होंने अपना नश्वर शरीर का त्याग किया, और कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों माना जाता है 483 ईसा पूर्व BCE में, 483 BCE में उनकी मृत्यु हुई। इससे पहले, मृत्यु से पहले ऐसे नहीं मरे थे, उन्होंने दुनिया को बहुत ज्ञान दिया। उन्होंने अपना पहला जो सरमन था, मतलब ज्ञान का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं, उन्होंने वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, मतलब वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, वहाँ उन्होंने अपना पहला ज्ञान का एक मतलब ज्ञान दिया। अब इस इवेंट को भी बुद्धिस्ट बहुत पवित्र मानते हैं, तो इसको धर्म चक्र परिवर्तना के नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं इसे, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आते हैं अभी मतलब कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। मतलब माना जाता है कि 483 ईसा पूर्व इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया एक साल ट्री में, कुशीनगर। अब ये कुशीनगर जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इस इवेंट को भी एक नाम दिया जाता है, इस इवेंट को कहते हैं महा परिनिर्वाण, महा परिनिर्वाण। अब मैंने बाकी तो आपको बता दिया। तो फिर इनका मृत्यु के बारे में, इनका नाम जो प्रचलित हुआ वो है गौतम बुद्ध। गौतम मैंने आपको बताया प्रजापति गौतम जी की वजह से,
और बुद्ध, इसलिए बुद्ध का मतलब होता है जागरूक इंसान, जिसे जीवन का हर ज्ञान पे पूर्णतः मतलब मालूम हो, जिसे जीवन का हर ज्ञान। तो फिलहाल स्लाइड में इतना ही। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपने थंबनेल लिखा था इसमें बुद्धा जी कह रहे हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, उसकी बात मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उसे बिल्कुल भी क्लिकबेट मत समझिएगा, वो बिल्कुल असली चीज़ है। उसके बारे में मैं अगली वीडियो जो संडे को आएगी बुद्धिज़्म पार्ट टू, उसमें उसके बारे में चर्चा करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसी मज़ेदार रोचक वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।